हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो पाइथन प्रोग्रामिंग को लेकर के है। एक क्वेश्चन जो अक्सर पूछ लिया जाता है नेगेटिव स्लाइसिंग से। नेगेटिव स्लाइसिंग पर हम पहले भी बात कर चुके हैं और आज की भी ये वीडियो नेगेटिव स्लाइसिंग को ही लेकर के है। आइए देखते हैं नेगेटिव स्लाइसिंग का आउटपुट कैसे प्रिडिक्ट किया जाए। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ से वीएस कोड को ओपन करते हैं। तो ये हमारा वीएस कोड है, इसे ओपन कर लेते हैं। आप ट्रेडिशनल आईडीएलई का भी सहारा ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब यहां पर हमें करना क्या है, सबसे पहले तो यहां पर एक न्यू फाइल लेंगे। तो यहां से राइट क्लिक करके टेक्स्ट फाइल हम बना लेंगे और जैसे ही टेक्स्ट फाइल बनाएंगे तो यहां पर वो क्वेश्चन, वो वेरिएबल का नाम, तो हम एक टीएक्सटी नाम से एक वेरिएबल बना रहे हैं जिसके अंदर कुछ स्टोर कराएंगे। अब क्या स्टोर कराएंगे, जैसे एक स्ट्रिंग स्टोर करा लेते हैं। स्ट्रिंग का नाम क्या है, स्ट्रिंग का नाम टीएक्सटी है और वो स्ट्रिंग है हेलो इंडियंस, आई एन डी आई ए एन। तो ये इंडियंस हो गया और यहां पर ये लिख दिया हमने और अब एंटर करते हैं और यहां पर प्रिंट करवाते हैं। क्या प्रिंट करवाएंगे, यहां पर देखिए, यहां पर मैं -5 से कॉलन लगाऊंगा। अब ऐसे देखिएगा, यहां पर टीएक्सटी इसका नाम है, टीएक्सटी करना है हमें, तो ये टीएक्सटी इसका नाम हो गया और यहां पे स्लाइसिंग की बात आएगी। तो यहां पे -5 से लेकर -2 तक स्लाइसिंग करवाएंगे। तो अब चेक करते हैं -5 से -2 का आउटपुट क्या बन सकता है, वो पहले हम डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए यहां पर कमेंट लगा रहा हूं और ये जो एस आपको दिख रहा है, एस का मतलब है ये वाला एस, देखिएगा जरा यहां पर ये एस, ये जो इंडियंस का एस है, इस एस का मतलब हो गया -5, यानी एस इज इक्वल टू क्या हो गया माइनस, यहां पर 1 करेंगे, ये -1 हो गया। ठीक है, एन जो हो जाएगा, एन होगा हमारा -2, एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा। इसी तरीके से ए इज इक्वल टू क्या होगा, ए इज इक्वल टू हो जाएगा आपका -3। ठीक है, और बी इज इक्वल टू क्या होगा, आई इज इक्वल टू क्या होगा, तो आई इज इक्वल टू हो जाएगा आपका -4। ठीक है, और फिर इसी तरीके से डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -5, यानी -5 तक हम आएंगे, यानी डी तक आएंगे और डी से लेकर के, यहां पर देखिएगा जरा, डी से लेकर के ये डी है, यहां पर देख सकते हैं ये डी है, और डी से लेकर के हमें कहां तक जाना है, -2 तक जाना है। अब -2 का अर्थ क्या निकलेगा, -2 का अर्थ निकलेगा कि ये और ये, यानी -1 और -2, यानी एस और एन। तो हम कहां तक गए थे, डी तक। तो यहां पर क्या प्रिंट होगा, यहां पर प्रिंट होगा डी आई ए। आइए एक बार चेक करते हैं इसका आउटपुट क्या आता है। ठीक है, तो यहां से पहले इसको रन कराएंगे और रन कोड, ये रन कोड पे क्लिक करते ही ये विंडो आएगी, इसको सेव करिएगा। तो इसे मैं सेव कर देता हूं प्रोग्राम के नाम से, program.py लगा देते हैं और एंटर कर देते हैं। तो इसका जो आउटपुट आएगा ना, आप देख सकते हैं यहां पर डी आई ए ही आया हुआ है, समझ रहे बात को, यानी 2 माइनस हो जा रहा है। ठीक है, अगर ये 3 माइनस होता तो क्या होता, तो 3 माइनस होता तो खाली डी आई आता। ठीक है, ये देखिए 3 माइनस कर दिया तो खाली डी आई आएगा। अगर इसको चला देते हैं तो अब नीचे आप आउटपुट में देखेंगे कि खाली डी आई ही आया हुआ है, यहां पर देखिए ये डी आई आया हुआ है। ठीक है, तो यहां पर इस तरीके से आप नेगेटिव स्लाइसिंग कर सकते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूं बात समझ में आई होगी।